कैसे हो सब? मैं हूँ शिरीन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। आज सिंपल किचन में बनने जा रहा है नूडल्स, वेज नूडल्स या चाउमीन। देखिए यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स मैंने लंबी लंबी कट करके रखे हैं। स्प्रिंग अनियन को ग्रीन और वाइट पार्ट को अलग कट किया है। यहाँ पे सारे सॉसेस रखे हैं, टोमेटो सॉस, केचप, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, विनेगर। यहाँ पे वाटर रख दिया है बॉयल होने। यहाँ पे हम नूडल्स को बॉयल करेंगे, तो एक टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और फिर उसमें हम नूडल्स को डाल देंगे। तोड़ के नहीं डालेंगे हम, पूरे ही डाल देंगे। वो थोड़े से सॉफ्ट होने पर अपने आप उसमें पानी में डूब जाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि तोड़ने से बाद में उसका अच्छा नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ही देखिए, जैसे ही सॉफ्ट होंगे वो पूरे अंदर समा जाएंगे। तो इसको हार्डली 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस जस्ट उसको सॉफ्ट करना है। फिर उसको हम ड्रेन आउट करके एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। देखिए सॉफ्ट होते ही पूरे के पूरे नूडल्स अंदर समा गए पैन में। इसकी 80% कुक करेंगे, 20% हम उसको ऐसे ही रहने देंगे और उसको जब हम वेजिस के साथ पकाएंगे तब वो पक जाएंगे। यहाँ पे पैन रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे। गार्लिक का टेस्ट चाउमीन में बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने चॉप करके डाला है, ग्रीन चिली को भी चॉप करके डाला है, अदरक को भी चॉप करके डाला है। सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम सौते कर लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम मैंने फुल रखी है, हाई रखी है। अनियन डाल दी है लंबी लंबी कट की हुई, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इस नूडल्स को बनाने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सुपर यमी टेस्ट होता है उसका। बहुत ही इजी मेथड से बन जाते हैं। देखिए अब कैबेज डाल दिया है, जिसको लंबा लंबा कट करके रखा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें कैरेट डाल दिया है, जिसको स्लाइसिस में कट किया है। अब डाल दिया है स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पोर्शन होता है। ग्रीन पोर्शन को हम लास्ट में डालेंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। अब डाल दिए कैप्सिकम, जिसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। सब्जियों को कुछ सेकंड पकाने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। और फिर हम डाल देंगे इसमें सारे सॉस। सबसे पहले मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर डाला है रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून और टोमेटो केचप भी डाला है 1 टेबलस्पून। वाइट विनेगर डाल दिया है 2 टेबलस्पून। सबको अच्छे से मिला देंगे। गैस को हाई फ्लेम ही रखा है मैंने। सारी सब्जियों में सारे सॉसेस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड तक सब्जियों को ऐसे ही पकाएंगे, फिर उसमें हम नूडल्स डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन का जो पार्ट होता है वो डाल दिया है थोड़ा। देखिए कलरफुल वेजिटेबल्स कितने अच्छे लगते हैं सॉसेस के साथ मिलकर। अभी जो बॉयल नूडल्स है उसको डाल दिया है, मिला देंगे अच्छे से। सारे मसाले, वेजिटेबल्स और नूडल्स को आराम से मिक्स करना है, बट नूडल्स टूटे नहीं उसका भी ख्याल रखना है, तो बहुत ही धीरे से करना है।
हल्के हाथों से मिलाना है। ऊपर से थोड़े और स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया है, ग्रीन वाला पोर्शन। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने, बस खाली मिक्स करना है, टॉस करना है इसको। चाउमीन हमारा बन चुका है, इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ी स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो आप भी इस मेथड से चाउमीन बना के ज़रूर देखिए, और कैसा लगा वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।